वो जो मेरा अट्रैक्शन है वो लड़कियों को छोड़ के लड़कों की तरफ है। मैं किसी भी लड़की को जो है एक बहन की फीलिंग से देखता था, एक माँ की फीलिंग से देखता था। लेकिन वाइफ से भी राखी बंधवा लेना, ऐसे तरह के मतलब पॉइंट्स मारते रहते थे, कहीं ना कहीं वो दिल पे पिंच होती थी। उनके क्वेश्चन जो थे वो तीर जैसे होते हैं, HIV/AIDS इक्वल्स टू डेथ। मेरा जन्म 1994 में हुआ था, और जैसे कि मैं दिख रहा हूँ वैसे भी मैं लड़का ही हूँ। और 18 साल की उम्र तक जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो अपने आप मेरे भी सपने थे कि मैं शादी करूँगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरी बीवी होगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, मेरी फैमिली होगी। लेकिन जब मैं +1 में था, +2 में था, उस समय मेरे को रिकॉग्नाइज हुआ कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरी जो लाइकिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो जो मेरा अट्रैक्शन है वो लड़कियों को छोड़ के लड़कों की तरफ है। मैं किसी भी लड़की को जो है एक बहन की फीलिंग से देखता था, एक माँ की फीलिंग से देखता था। लेकिन लड़कों के साथ मेरे को कुछ अलग महसूस होता था, जो एक नॉर्मल हम लोग बोलते हैं जो स्ट्रेट लड़का किसी लड़की को देख के फील करता है वैसे। पहले तो मैंने इन चीज़ों को अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से छुपाना बहुत शुरू किया, क्योंकि फिर भी जो क्लास में मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे वो उनको पता चल ही जाता था। वो कहीं ना कहीं दे उस बात को नोटिस करके बहुत छेड़ते थे कि राहुल तुम तो अपनी वाइफ से भी राखी बंधवा लेना, ऐसे तरह के मतलब पॉइंट्स मारते रहते थे, कहीं ना कहीं वो दिल पे पिंच होती थी। तो किसी तरह से मैंने +2 क्लियर किया, और जब मैं ग्रेजुएशन में गया, फर्स्ट ईयर तक तो मैंने खुद को दबा के रखा वहाँ पे कि किसी को पता ना चले कि मैं गे हूँ। और उस समय तक तो मेरे को ये खुद नहीं पता था कि मैं गे हूँ, मुझे तो ये लगता था कि पूरी दुनिया में मैं अकेला ही ऐसा हूँ। तो सेकंड ईयर में मुझे पता चले कि हमारी कोई कम्युनिटी है, LGBT कम्युनिटी, तो वहाँ पे मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा खुल के जीना शुरू किया। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने खुल के जीना शुरू किया तो वहाँ पे कुछ गलती मेरे से हो गई कि मैंने किसी अपने फ्रेंड पे विश्वास कर लिया और उसको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। तो वो बात फैलते फैलते मेरी पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी थी, तो मेरा वहाँ पे अब रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन वहाँ पे मेरे कुछ, जहाँ पे कुछ लोग ख़राब थे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कुछ मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मेरे को संभाला, अच्छे से मॉरल सपोर्ट भी दिया, वहाँ पे मेरे को मोटिवेट किया। देन उसके बाद मैं अपनी फैमिली में ओपन हुआ। फैमिली से कोई ज़्यादा वो उम्मीदें भी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अगर घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भगवान की कृपा से फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग निकली, उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा अपनी मैच्योरिटी दिखाई। जबकि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो विलेज से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया तो मेरे तो मतलब ये था कि मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं था, मैं खुश हो गया। फिर सेकेंड ईयर जैसे ही मेरी मिड में गई तो मैं रिलेशन में गया, अपने फैमिली वालों को बताया मैंने कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी एक पर्सन से बात हो रही है और मैं उसके साथ रिलेशन में रहूँगा। तो मैं जब उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगा तो उसके बाद 6 महीने हम लोग रिलेशन में रहे तो सडनली मेरी हेल्थ डाउन होने लग गई। तो जैसे ही मेरी हेल्थ डाउन होने लगी तो एग्ज़ाम का टाइम था, थर्ड ईयर शुरू हो चुका था मेरा। जैसे ही एग्ज़ाम का फिफ्थ सेमेस्टर मेरा चल रहा था, एग्ज़ाम का टाइम था, तो मैंने ऐसे ही उस समय मैंने उस रिलेशन को बचाने के लिए मैंने अपने जितने भी रिलेशन थे, फैमिली फ्रेंड्स सबको दाव पे लगा दिया और उस अकेले पर्सन के लिए मैंने सबको छोड़ दिया था उस समय। तो जब एग्ज़ाम का टाइम आया और मेरी हेल्थ डाउन होने लगी, मेरे को ऐसे ही किसी ने बोल दिया, राहुल आप ना अपना HIV टेस्ट कराओ। मुझे उस समय एक्चुअल में HIV के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि HIV/AIDS क्या होता है। तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, सुभारती यूनिवर्सिटी, मैंने वहीं के मेडिकल में जाके अपना HIV टेस्ट कराया। और जब मैंने HIV टेस्ट कराने के लिए गया तो वहाँ पे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं टेस्ट, उनके क्वेश्चन जो थे वो तीर जैसे होते हैं, तीर मार रहे थे कि आपने HIV टेस्ट क्यों कराना है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी लड़की के साथ रिलेशन थी, क्योंकि अब वहाँ पे इनडायरेक्टली बोल भी नहीं सकते थे। तो उनके थोड़े वर्ड्स थोड़े वो बहुत ज़्यादा हार्श थे कि जब आपको इतना ही डर था तो आपने प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज़ की, फलाना ढिमकाना, मतलब ऐसा रूड मेरे को लग रहा था कि मेरी आँखों से आंसू तक आ गए थे उस समय। फिर मैंने किसी तरह से वहाँ पे टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद आज जैसे कि मैंने
एक दिन मैं गया अपना ब्लड सैंपल देके आया, 3 दिन बाद मेरे को रिपोर्ट मिली और उसके 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा, तो जब मेरे को रिपोर्ट पता चली कुछ ज़्यादा फील, मेरे को पॉजिटिव रिपोर्ट जब मेरी आई मेरे को कुछ ज़्यादा महसूस सा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मेरे को HIV एड्स के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी। फिर उसके बाद जो आशु विश्वकर्मा मैम थे उन्होंने मेरी लगा 2 घंटे तक काउंसलिंग की कि क्या होगा कैसे होगा, उन्होंने जितनी नॉलेज दे सकते थे दिए। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया HIV एड्स के बारे में, तो उनको जहाँ तक पता था कि उन्होंने मेरे को ये बताया कि HIV एड्स इक्वल्स टू डेथ, जो मेरे को सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे को इतना याद था कि मेरे पेपर की तैयारी नहीं थी पूरी तरह से, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था मैं पेपर की तैयारी करूँ या फिर बैठ के रोऊं या फिर रिलेशन के लिए रोऊं, क्योंकि ये 3 चीज़ें इस समय मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी। उस समय मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं था जिसके साथ मैं अपनी मतलब अपने दिल को खोल के उनके सामने रख सकूं, जो मुझे समझ सके। फैमिली के सामने अचानक मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि फैमिली इतनी जल्दी शायद एक्सेप्ट भी ना कर पाए। तो फिर मैंने ऐसे ही जो मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स थे, मतलब जो 1-2 दिन ही हुए थे मेरे फ्रेंड्स बने हुए उस समय, नए नए फ्रेंड्स थे, मैंने उनको बताया। जब उनको बताया तो उनके थ्रू वो बात उनके पार्टनर्स को पता चली, उनके बॉयफ्रेंड्स को पता चली। और जब मैं नेक्स्ट डे 2 दिन बाद एग्ज़ाम हॉल की तरफ जाने लगा अपने एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे वो गेट पे खड़ा है एग्ज़ाम हॉल के और मुझे वहीं पे रोक के सीधा बोल रहा है, राहुल आपको एड्स है। ये बात जैसे ही मेरे कान में गई मेरे पूरा का पूरा मतलब आँखों से आंसू तक आ गया। फिर मैंने किसी तरह जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठा, पर आधा एग्ज़ाम मतलब आधा टाइम में यही सोचते रहा कि उसको ये बात पता कहाँ से चली, उसने ऐसा बोला क्यों। शायद मैं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे, इवन मैं रो भी पड़ा। तो जो टीचर्स थे वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल में, वो मुझे अच्छे से जानते थे, उन्होंने पहली बार मेरे को ऐसा मतलब दुखी देखा था, पहली बार मेरे को रोते हुए देखा था। तो उन्होंने भी पूछा, फिर उन्होंने बोला एग्ज़ाम कर लो। फिर मैंने किसी तरह से जैसे तैसे पेपर दिए अपने सारे, फिर वापस घर पे आया। घर पे आने के बाद दवाइयाँ मैंने ली, और जब वो दवाइयाँ हम लोग लेते थे ना, तो उस कोई भी दवाइयाँ हम लोग लेते हैं सिर्फ HIV एड्स की नहीं, शुरू में वो दवाइयाँ ना अपने असर दिखाती हैं, तो इनकी दवाइयाँ थोड़ी हार्ड होती हैं। तो वो शुरू में मैं 15 दिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि उस समय मैं पूरा नशे में रहता था, मेरे को अपना होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ पे हूँ किसके साथ हूँ। मेरे फैमिली में मेरे को कई बार बोलते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। और फैमिली वालों से जब इतनी हालत मेरी ख़राब थी उस समय दवाइयों की वजह से, तो फैमिली वाले से भी मतलब वो भी टेंशन में आ गए थे आखिर क्या बात है। तो फाइनली मैंने एक बार अपनी भाभी को बताया, भाभी ऐसी ऐसी बात है। तो भाभी ने ये बात जानने के बाद भाभी भी रोने लग गए। फिर उन्होंने किसी भी तरह बात छुपाई काफ़ी दिन तक, लेकिन फाइनली ये बात एक टाइम पे उन्होंने बोला कि अपने पेरेंट्स को लेके आओ, हम उनकी काउंसलिंग करना चाहते हैं। तब मैंने अपनी फैमिली में उनको बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। तो शुरू में तो पापा को जब ये बात पता चली, तो पापा ने भी हॉस्पिटल में जाके डायरेक्ट पूछने से बेहतर उन्होंने किसी और से पूछा, सोसाइटी में जो बंदे थे उनसे पूछा। उनको भी यही आधी नॉलेज ही दी गई, HIV एड्स इक्वल्स टू डेथ, उनको यही नॉलेज पता चली। वो भी थोड़ा पहले से ही वो कहीं ना कहीं टेंशन में थे कि मेरा लड़का गे है, इसकी लाइफ का आगे क्या होगा, इसकी शादी होगी नहीं होगी, अगर किसी लड़के के साथ रहता है रिलेशन में तो क्या वो इसका साथ देगा, इसकी क्या ये खुश रहेगा अपनी लाइफ में, ये सब टेंशन तो थी ही माँ बाप को। लेकिन अब जब उनको HIV स्टेटस पता चला, उनको और प्रॉब्लम हो गई। अब वो कहीं ना कहीं मेरे घर में मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी अपने पापा को देखा था, लेकिन मेरा HIV स्टेटस पता चलने के बाद आज सबसे ज़्यादा वीक वही हैं। और बोलने में अच्छा नहीं लगता कि जो मेरे पापा ने पूरा घर संभाला हुआ था, उनके बेड पे आने के बाद वो घर बहुत बुरी तरह से बिखरा। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी तक बीच में छोड़ दी, ग्रेजुएशन कर रहा था, किसी तरह से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी छोड़ दी, क्योंकि अब पापा बेड पे आ चुके थे। मेरी मम्मी पैरालाइज्ड है, तो उनका ट्रीटमेंट भी चलता था और डैडी का भी ट्रीटमेंट चलता था। भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, भाई इवन अपने काम के लिए सीरियस भी नहीं था, कि उसके भी 3 बच्चे थे, कहीं ना कहीं उनकी भी और भाभी भी बीमार रहती थी। तो मैंने ये सोचा कि यार पूरी फैमिली ये है, अब या तो मैं खुद पढ़ लूँ, या तो बच्चों को पढ़ा लूँ, या तो माँ बाप की सेवा कर लूँ। फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें छोड़ के मैंने जॉब करना शुरू किया। अब पापा जिस तरह से बीमार रहने लगे थे, तो कई बार पापा भी ऐसी बात फैमिली वाले भी ऐसी बातें बोल देते थे
कि राहुल बच्चों को अपना जूठा मत दो खाने के लिए, या बच्चों के साथ बच्चों को छुओ मत, कहीं उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं कहाँ से ये बीमारी लगा के आ गया है, तू तो मर जाएगा। इवन चलो फैमिली को नॉलेज नहीं थी, तो उनको समझाते समझाते मेरे को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि पहले सबसे पहले किसी और को सिखाने से पहले, किसी और को समझाने से पहले मुझे भी वो चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए थी जो मेरे पास ही नहीं थी। तो एक से डेढ़ साल तक मेरे पास HIV एड्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो फिर मैंने बोला जब मरना ही है तो कोई बात नहीं, इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं, इसके बारे में कुछ देखते हैं कि क्या होता है, दूसरों के लिए भी काम करते हैं। तो एक्चुअली मैंने एक बार, मेरा कॉलेज टाइम का एक्सपीरियंस है, मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो वहाँ पे मैं सत्यकाम नाम के एक संस्था में गया था जहाँ पे एड्स पॉजिटिव बच्चे थे। तो जब उनके बारे में मेरे को थोड़ा बताया गया, न्यू ईयर पे हम लोग गए थे, तो उनके बारे में बताया गया कि उनमें से शायद कोई डॉक्टर था वहाँ पे, उन्होंने बताया मुझे कि ये बच्चा एड्स पॉजिटिव है और कुछ दिनों में मरने वाला है। तो वो दिन मेरे को अभी भी याद है कि फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ही काम करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मुझे नहीं पता था कि मेल टू मेल रिलेशन बनाने में, सेक्सुअल रिलेशन बनाने में भी कोई बीमारी फैलती है, ये चीज़ मुझे नहीं पता था, तो मैं जैसी बातें हमारी कम्युनिटी में जो कि करोड़ों की संख्या में उनको नहीं पता है, क्योंकि हमें तो बस यही पता चलता था कि जो प्रोटेक्शंस हैं वो इसलिए यूज़ होती है ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। अभी तक इवन मैंने अभी लास्ट टाइम की बात है, कुछ लॉकडाउन लगने से पहले मैं एक कॉलेज में गया था, प्रिंसिपल से मैंने बात की कि मुझे मतलब HIV एड्स के ऊपर और जो सेक्सुअल एक्ट प्रकोशंस हैं उनके बारे में बच्चों को कॉन्डम यूजेस के बारे में बताना है। वो बोलते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो 18 साल से नीचे हैं, 12वीं क्लास के हैं, आप उनको क्या बताएंगे। तो मैंने बोला कि आप, वो बोल रहे हैं हमारे बच्चे इस तरह की एक्टिविटी में है नहीं। मैंने बोला सॉरी मैं आपको नाम नहीं बता सकता बंदे का, लेकिन आपके ही जो बच्चा हमारे पास अभी हमारी तरफ से लिंक हुआ है और पॉजिटिव आया है वो 18 साल से नीचे है, हम प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते उसकी, इसलिए हम लेक्चर लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको DC के थ्रू, DC के पास जाके पहले लेटर देना होगा फलाना, और ये सब चीज़ें करके मतलब एक प्रोसेस समझाया उन्होंने। तो मैंने PSAC को मेल लिखी कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे लेक्चर लेना है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आपके और आपको जो ग्रुप पे उनको। तो इस तरह से बात हुई थी। तो जहाँ पे ये बात प्रिंसिपल तक को नहीं पता था कि MSM के अंदर जो रिलेशन बनते हैं वहाँ पे भी इस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, तो यहाँ पे तो कम्युनिटी की तो बात ही अलग है। अभी तो सबसे पहले मैंने PGI में जॉब करना शुरू किया, वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट में शुरू काम किया था, फेलोशिप प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम था साइको सोशल इश्यूज फेस्ड बाय LGBT कम्युनिटी लीड्स टू HIV एड्स। तो उसके अंदर मेरे को ये पता चला थोड़ा वहाँ पे HIV एड्स के बारे में रिसर्च करते करते और अदर लोगों के एक्सपीरियंस सुनते सुनते मुझे पता चला कि नहीं, HIV एड्स के बारे में जो लोग बोलते हैं कि HIV एड्स के बाद बंदे मर जाते हैं, तो वो मुझे वहाँ पे बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि वो आधी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि वो बंदे जिंदा रहेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे जिंदा अमर कोई भी नहीं है। हाँ ये होता है कि जब हम, जैसे मैं पॉजिटिव हूँ, अगर मैं दवाइयाँ अपनी रेगुलर ले रहा हूँ, सही टाइम पे बिल्कुल सही डाइट है और किसी बात की मेरे को टेंशन नहीं है, तो मैं नहीं मरूंगा, मैं अपनी पूरी लाइफ जीऊँगा और बिल्कुल खुशी से जी रहा हूँ। और जैसे कि जो बंदे दवाई नहीं खाते हैं वो, उनके लिए वो है कि वो सिनेरियो है कि वो बंदे बीमार हो जाएंगे, लेकिन मरते नहीं हैं, इतनी आसानी से नहीं मरते। तो इन चीज़ों को जब मैंने पूरी तरह से वहाँ पे मेरे को पता चली, फिर मैंने अपनी फैमिली वालों को समझाना शुरू किया। सबसे पहले फैमिली वाले तो समझ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जैसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं HIV एड्स प्रिवेंशन के ऊपर, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, वो भी प्रोजेक्ट में ही काम करता था HIV एड्स प्रिवेंशन में। सबसे बड़ी बात मेरे को वहाँ पे जाके पता चली कि हम लोग बोलते हैं कि सोसाइटी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, लेकिन मेरे को पहली बार मैंने NGO में देखा जो कि NGO के ही बंदे बोलते थे कि तुम पॉजिटिव हो, तुम हमारे साथ बैठो मत, इवन खाना भी मेरे को फील कराते थे कि आप पॉजिटिव हो, ध्यान से कहीं आप हमें पॉज मत कर देना, जबकि उनके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज थी, फिर भी वो हमें फील कराते थे कि आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव हो। खैर जब तक मैं उनकी बातों को, उनकी फैमिली की और सोसाइटी की बातों को दिल पे रहता था, मैं परेशान रहता था, हर्ट भी होता था,
लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी उसके उन टाइमों के दौरान कि जब तक मैंने दिल से लगा के बैठा ना मैं कहीं भी नहीं मूव कर पाया। जब से मैंने दिल पे लगाना छोड़ दिया आज मैं इस हालत में हूँ कि मैं भी खुश हूँ और अपनी फैमिली को मैं खुश भी रखता हूँ और चला भी रहा हूँ ठीक से। और आज के टाइम में मैं पॉजिटिव होते हुए अपने मैं काउंट तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ ऐसे बंदे हैं कि जिनको शायद मैंने एक ज़रिया बना उनको समझा के, उनको मोटिवेट करके, उनको दवाई पे ला के रखने का। और अगर भगवान करे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस बारे में जो हमारी कम्युनिटी है उनको पूरी तरह से जागरूक कर सकूं और लोगों को जो पॉजिटिव बंदों को जो डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है सोसाइटी में कि ये पॉजिटिव है इनके साथ मत बैठो, वो जो एक तरह से गिल्टी फील करवाया जाता है। क्योंकि देखो HIV एड्स जो है वो कहीं ना कहीं इसको आज भी इनके चार कारण हैं, उन चार कारणों को छोड़ के सिर्फ एक कारणों से इसको जोड़ा जाता है कि ज़रूर इस लड़के या लड़की के मल्टीपल सेक्स रिलेशन होंगे तभी ये पॉजिटिव हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से शेमफुल हमें फील कराता है। बट मैं बोलता हूँ कि मैं पॉजिटिव हुआ हूँ वो भी सेक्स के थ्रू और MSM सेक्स के थ्रू, और मुझे बोलते में इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्योंकि आज मैंने ये एक्सपीरियंस किया है तभी मैं आप लोगों के सामने या किसी के भी सामने बताने के लायक हूँ। अगर मैं बताने के लायक नहीं होता तो फिर मैं बोलने के भी लायक नहीं होता। थैंक यू।